नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत कर रही हूं आप सभी का आपके अपने चैनल आरोग्य इंडिया स्वस्थ भारत की स्वस्थ परंपरा में। दोस्तों, ठंड के मौसम में सर्दी के असर से बचने के लिए लोग गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शरीर को चाहे कितने ही गर्म कपड़ों से ढक लीजिए, ठंड से लड़ने के लिए बॉडी में अंदरूनी गर्मी होना जरूरी है। शरीर में यदि अंदर से खुद को मौसम के हिसाब से ढालने की क्षमता हो तो ठंड कम लगेगी और कई बीमारियां भी नहीं होंगी। यही कारण है कि ठंड में खान पान पर विशेष रूप से ध्यान देने को आयुर्वेद में बहुत महत्व दिया गया है। सर्दियों में यदि खान पान का विशेष ध्यान दिया जाए तो शरीर संतुलित रहता है और सर्दी कम लगती है। तो दोस्तों, इसीलिए आज के इस पैकेज में हम आपको बताने जा रहे हैं कि ठंड में ऐसी कौन सी जरूरी चीजें हैं जिनको खाने से शरीर को गर्मी मिलती है। कुछ अनाज शरीर को सबसे ज्यादा गर्मी देते हैं। बाजरा एक ऐसा ही अनाज है। सर्दी के दिनों में बाजरे की रोटी बनाकर खानी चाहिए। छोटे बच्चों को बाजरे की रोटी जरूर खानी चाहिए, इसमें कई स्वास्थ्यवर्धक गुण भी होते हैं। दूसरे अनाजों की अपेक्षा बाजरा में सबसे ज्यादा प्रोटीन की मात्रा होती है। इसमें वो सभी गुण होते हैं जिससे स्वास्थ्य ठीक रहता है। ग्रामीण इलाकों में बाजरा से बनी रोटी व टिक्की को सबसे ज्यादा जाड़ों में पसंद किया जाता है। बाजरा में शरीर के लिए आवश्यक तत्व जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैंगनीज, ट्रिप्टोफेन, फाइबर, विटामिन बी, एंटीऑक्सीडेंट आदि भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। बादाम कई गुणों से भरपूर होता है। इसका नियमित सेवन अनेक बीमारियों से बचाव में मददगार है। अक्सर माना जाता है कि बादाम खाने से याददाश्त बढ़ती है, लेकिन ये ड्राई फ्रूट अन्य कई रोगों से हमारी रक्षा भी करता है। इसके सेवन से कब्ज की समस्या दूर होती है, जो सर्दियों में सबसे बड़ी दिक्कत होती है। बादाम में डायबिटीज को नियंत्रित करने का गुण होता है। इसमें विटामिन ई भरपूर मात्रा में होता है। क्या आप जानते हैं कि रोजाना खाने में अदरक शामिल कर बहुत सी छोटी बड़ी बीमारियों से बचा जा सकता है। सर्दियों में इसका किसी भी तरह से सेवन करने पर बहुत लाभ मिलता है। इससे शरीर को गर्मी मिलती है और डाइजेशन भी सही रहता है। शरीर को स्वस्थ, निरोग और ऊर्जावान बनाए रखने के लिए शहद को आयुर्वेद में अमृत भी कहा गया है। यूं तो सभी मौसमों में शहद का सेवन लाभकारी है, लेकिन सर्दियों में तो शहद का उपयोग विशेष लाभकारी होता है। इन दिनों में आप भोजन में शहद को जरूर शामिल करें। इससे पाचन क्रिया में सुधार होगा और इम्यून सिस्टम पर भी असर पड़ेगा। सर्दियों में ओमेगा 3 फैटी एसिड सबसे अच्छा फूड होता है। ये मुख्य रूप से मछलियों में पाया जाता है। सर्दियों के दिनों में मछली का सेवन करें, इससे शरीर को गर्मी मिलती है। इसमें जिंक भरपूर मात्रा में होता है, इसलिए ये शरीर का इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है और बीमारियों को दूर रखता है। सर्दियों के दिनों में रसीले फलों का सेवन ना करें। संतरा, रसभरी या मौसमी आपके शरीर को ठंडक देते हैं, जिससे आपको सर्दी जुकाम जैसी समस्याएं हो सकती हैं। 100 ग्राम मूंगफली के भीतर जो तत्व मौजूद होते हैं वो हैं प्रोटीन, नमी, फैट्स, मिनरल्स, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, कैरोटीन, थायमिन और फोलिक एसिड। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन, मिनरल्स आदि तत्व इसे बेहद फायदेमंद बनाते हैं। यकीनन इसके गुणों को जानने के बाद आप कम से कम इस सर्दियों में मूंगफली से टाइम पास करने का टाइम तो जरूर निकालेंगे। अपनी खुराक में हरी सब्जियों का सेवन करें। सब्जियां शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं और गर्मी प्रदान करती हैं। सर्दियों के दिनों में मेथी, गाजर, चुकंदर, पालक, लहसुन, बथुआ आदि का सेवन करें। इनसे इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। सर्दियों के मौसम में तिल खाने से शरीर को ऊर्जा मिलती है। तिल के तेल की मालिश करने से ठंड से बचाव होता है। तिल और मिश्री का काढ़ा बनाकर खांसी में पीने से जमा हुआ कफ निकल जाता है। तिल में कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे प्रोटीन, कैल्शियम, बी कॉम्प्लेक्स और कार्बोहाइड्रेट आदि। तो दोस्तों, इन सर्दियों में हमारी बताई हुई टिप्स को जरूर ध्यान रखें और अपने आप को स्वस्थ रखें। हेल्दी, हिट और फिट रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आरोग्य इंडिया स्वस्थ भारत की स्वस्थ परंपरा को। धन्यवाद।